समझ में आ रही है मेरे की बात? तो लेट अस आंसर दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। एक चीज मुझे बताइए, अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो सरफेस सर्कुलेशन है व्हाट वाज इट्स मूवमेंट, वो कैसे जा रही थी, जो ओशन करेंट्स थी वो कैसे चल रही थी, जैसे गल्फ स्ट्रीम है या क्यूरोशियो करंट है या कैनारी करंट है या एडुलास करंट है, सो हाउ दीज करंट्स वर मूविंग, व्हाट वाज द डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन, मतलब इट वाज गोइंग आइदर फ्रॉम, जैसे वार्म करंट वेस्टर्न बाउंड्री करंट है तो वो वार्म लैटिट्यूड से कोल्ड लैटिट्यूड की तरफ जा रही थी, और अगर ईस्टर्न बाउंड्री करंट इट वाज कमिंग फ्रॉम कोल्डर लैटिट्यूड टू वार्मर, मतलब इट वाज गोइंग अक्रॉस लैटिट्यूड्स। अगर मैं एक सिंपल सा प्लेन डायग्राम बनाऊं, इफ दिस इज द अर्थ एंड लेट अस से दिस इज द गल्फ स्ट्रीम, सो इट वाज गोइंग अक्रॉस लैटिट्यूड्स, इफ दिस इज द कैनारी करंट इट वाज गोइंग अक्रॉस लैटिट्यूड्स, तो मतलब ये है कि जो सरफेस सर्कुलेशन है इट इज लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन, मतलब इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू ओशन करेंट्स फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू द अदर, ये लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में, क्लियर है ना? और क्या क्या इसके बारे में आप सब जानते हैं? सो पहला तो ये हो गया कि विंड के द्वारा होती है, दूसरा ये हो गया इट इज अ लैटिट्यूडल ट्रांसपोर्ट, ठीक, लैटिट्यूडल ट्रांसपोर्ट। नाउ इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ईस्टर्न बाउंड्री करंट, वेस्टर्न बाउंड्री करंट, इंटर ओशन एक्सचेंज, इतनी सारी चीजें हमने देखी। सो बेसिकली दीज आर ओनली द सर्फेशियल फ्लोज एंड सर्फेशियल एक्सचेंज ऑफ वाटर। नाउ लेट अस कम टू द डीप वाटर। व्हेन वी गेट डीप वाटर, let us understand some properties of ocean water. Iske liye, when if you remember the class when we were discussing the ocean water properties of temperature and salinity, to aap logon ne ek cheez dhyan di hogi ki the factors that impact the ocean water properties, they are temperature, pressure and salinity. Lekin pressure ka impact वाटर के डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी पे ओशन से केस में बहुत कम है, सैलिनिटी पर बहुत कम है, प्रेशर को थोड़ा सा डिसरिगार्ड कर दें तो प्रेशर, तो ओशन वाटर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। फिर हमने ये भी देखा था कि द सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, रन ऑफ कितना है, हाउ मच इज द रन ऑफ, देन व्हाट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दैट वाटर बॉडी, जैसे अगर इनक्लोज बेसिन है तो सैलिनिटी ज्यादा है, ओपन ओशन तो सैलिनिटी उससे उसके तुलना में कम है। फिर हमने ये देखा कि लोअर लैटिट्यूड्स पे जो सैलिनिटी है या जो डेंसिटी है वो कम है, हायर लैटिट्यूड्स में ज्यादा है, वहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, सो वार्म वाटर इज लाइटर, कोल्ड वाटर इज डेंसर, सो दीज थिंग्स वी सॉ। बट एक चीज जो हम लोगों ने देखी थी, व्हेन वी सॉ द थर्मोक्लाइन एंड द हेलोक्लाइन, दैट एज वी गो डीपर द सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट, याद है, याद है ना, दैट सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द डीप वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट। थ्रू वेरियस स्टडीज इट हैज बीन फाउंड आउट दैट अराउंड 70% ऑफ द ओशन वाटर, कितना, अराउंड 70% ऑफ द ओशन वाटर, इसका जो सैलिनिटी है इट रेंजेस फ्रॉम 34 टू 35 पार्ट्स पर मिल एंड इट्स टेंपरेचर रेंजेस फ्रॉम 2 टू 5 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 70%। इसका मतलब यह है कि दिस 70% कंस्टिट्यूट्स द डीप वाटर, ठीक। अभी एक डायग्राम हम देखेंगे ना, दिस स्टेबिलिटी, this stability of temperature and salinity is actually very important, it's a conservation of the deep water, it conserves these properties, so isse hum measure bhi kar sakte hain, to ab wo kya raha hai, where is the salinity changing, where is the temperature changing, in the sea surface, it is the isliye kehte hain na sea surface temperature, sea surface salinity, why do we use these terms, because in most of the cases it is the surface water of ocean
that gets impacted. मैंने बात आ रही है, जैसे जैसे हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते जाएंगे द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीज. ये सबको पता है कि जब हम वार्म लैटिट्यूड से कोल्ड लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वाटर का सी सरफेस टेम्परेचर वो कम होगा. एक और डिग्री सैलिनिटी में ऑल्सो वेरी. तो इसका मतलब ये है कि जो डीप ओशन सर्कुलेशन है वहां पर विंड्स का इम्पैक्ट नहीं है, वहां पर इम्पैक्ट इसका है हीट एंड सॉल्ट प्रेशर. हीट एंड सो व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्टर फॉर डीप ओशन सर्कुलेशन? इट इज द हीट एंड सैलिनिटी. इसीलिए जब मैं आपको सैलिनिटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सैलिनिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ओशन वाटर. Therefore, when we study oceanography, it is very important to know the properties of ocean. So, heat and salinity, these are the two main factors which cause the deep ocean circulation. Okay? Since here the factors that are playing the role are the heat and salt, therefore, this circulation can also be called as thermohaline circulation. Thermohaline circulation. So, as the name suggests, thermo heat, haline that is saline. Okay. So, surface circulation is because of winds, which is because of temperature and pressure gradient. Temperature and pressure gradient cause the winds to generate, and they carry the water in their direction. The deep ocean circulation is also called as thermohaline circulation. का मतलब ये है कि here there is the role played by heat and salt content, salt content. Subtle difference, subtle balance between the heat and salt content. Okay. दूसरा हमने देखा latitudinal flow is by the surface ocean currents. यहाँ पर क्या है? अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. When we say deep circulation and salt content and everything, इसका मतलब एक चीज ये है कि oceans की जो depth है वहां पर हमने भी क्या देखा, मैंने भी आपको क्या स्टेटमेंट दिया कि 70% ऑफ द डीप ओशंस या ओशन वॉल्यूम हैज सैलिनिटी एंड टेंपरेचर कांस्टेंट. हाउ कैन दे मूव? सो इट इज समथिंग इज बीइंग जनरेटेड ऑन द सरफेस, इट गोज डीपर, मतलब ये वर्टिकल सिंकिंग हुई और फिर ये वहां से मूव हुआ. तो इसका क्या मतलब है? अगर आप अर्थ के डायग्राम को देखो, अर्थ के पोजिशन को देखो, सो दीज horizontal lines they are called as latitudes, while these lines they are longitudes. Okay. तो अगर मान लीजिए कि कहीं यहां पर अगर कुछ ऐसा हो रहा है that is sending the deep water vertically below, तो और ये water यहां से चलना शुरू किया, बिल्कुल नीचे जाकर के यहां पर निकला, तो ये एक ही मेरिडियन के अलोंग हुआ कि नहीं हुआ? इट इज गोइंग अक्रॉस द मेरिडियन, ठीक, इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलेशन. सो सरफेस करंट्स कैसे थे? लैटिट्यूड के क्रॉस जा रहे थे, ये कैसे जा रहा है? लॉन्गिट्यूड के क्रॉस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. लॉन्गिट्यूडनल, ठीक. इसीलिए डीप ओशन सर्कुलेशन को कभी कभी मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? देखिए, लैटिट्यूड से दूसरा नाम मेरिडियन स्वीप मालूम है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. ओवरटर्निंग का मतलब कि मतलब वाटर इधर से ऐसे गया और फिर यहां पर निकल गया पानी. ओवरटर्निंग ही तो होती है ना, ठीक है. ये दो डिफरेंस समझ में आया. डोंट एवर गेट कंफ्यूज. कोई अगर बोल दे कि डीप ओशन सर्कुलेशन कैसे जाएगा तो आप बोल दीजिए सर इस लैटिट्यूड से लैटिट्यूड, नहीं, इट्स द मेरिडियनल ओवरटर्निंग. बाद में जाकर के डेफिनेटली गोज अक्रॉस लैटिट्यूड्स, लेकिन शुरुआत जहां से होती है इट सिंक्स अलोंग द मेरिडियन. ओके, ऑलराइट. सो लेट अस नाउ सी दैट डायग्राम. Thank you.
temperature carry? Agar it is going from warm latitude to cold latitude, it will carry heat. Yes. If it comes from cold latitude to warm latitude, it will bring cold water. Yes. So we are basically looking at the transport of heat through this surface current. Right? Let us see how the deep ocean circulation looks like. So, सबसे पहले हम ये देखेंगे. Look at this diagram. It says it's a plot between temperature and salinity, and then the temperature salinity range of seawater. So, seawater is remarkably uniform solution with 75% of total ocean volume having a temperature between 0 and 5 degrees and salinity between 34 and 35 parts per million. This is what constitutes 70% of the ocean volume. Okay? इसका मतलब यह है कि जो डिस्कशन हमने अभी तक किया वो समझ में आया आप लोगों को कि unless and until some phenomena happens at the surface, deep ocean circulation शुरू नहीं हो सकता. What is that phenomena? ऐसा क्या हुआ सरफेस में कि डीप ओशन सर्कुलेशन जो है वो शुरू होगा. ये दिस डायग्राम इज फ्रॉम पिनेट्स बुक. ठीक है, इन्विटेशन टू ओशनोग्राफी बाय पिनेट. ऑलराइट, दिस इज द वाटर मास स्ट्रक्चर इन द थ्री ओशंस. वी हैव थ्री मेजर ओशंस, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन. तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो वाटर मासेस हैं, ये वाटर मासेस कैसे कैसे बनते हैं. तो थोड़ी देर में इसको फिर मैं बंद करूंगा. When we look at the water masses can be of three types. They can be surface water mass or central water mass. They can be intermediate water mass. And they can be deep water or bottom water mass. Bottom water mass. So the surface water, जैसा कि आप लोग नाम से समझ सकते हैं, that the surface water mass, it will range from 0 to around 1 kilometer depth. ठीक है ना? Intermediate water mass ranges from 1 to 2 kilometer depth. Depth of what? Water depth. This is water depth. And the deep or bottom water is more than 2 kilometers. It exists there. So, if you remember the ocean water stratification, we have seen that the ocean water is stratified because of variations in its density. Density. Pycnoclinia theory. The density of ocean water is a result of temperature and salinity. Everybody agrees that pressure ka bahut importance density of ocean water mein nahi hai, usko hum disregard karte hain. So tell me, which of these three water masses will be the densest? सबसे भारी कौन सा होगा? Deep or bottom water? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. इसका मतलब ये है कि अगर और एंड वी आल्सो नो दैट ओशंस आर ऑल कनेक्टेड, ऑल द डीप वाटर इज एट दिस डेप्थ. इसका मतलब ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ डीप वाटर अक्रॉस द ग्लोब दे ऑट टू बी सिमिलर इन ओपन ओशन. एक ऐसा ही होगा, यही टेम्परेचर यही सैलिनिटी होगा. टेम्परेचर कम हुआ तो वाटर भारी हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वाटर हल्का होगा. सेम टेम्परेचर पे सैलिनिटी को अगर आपने बढ़ा दिया तो वाटर डेंस हो जाएगा, कम कर दिया तो वाटर लाइट हो जाएगा. बहुत सिंपल सा फंडा है. लेकिन मान लीजिए ये एक वेसल है, इसमें दिस इज द और ये तीन ओशन है. सो दिस इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन. अगर इस वाटर की जो प्रॉपर्टी है हर ओशन में सिमिलर है तो ये तो एक तरीके से स्टेबल मास होना चाहिए, इसमें मूवमेंट क्यों हुआ? तो डीप ओशन सर्कुलेशन व्हाई डिड इट अकर व्हेन द डीप ओशन हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज? इट मींस दैट समथिंग यू आर एडिंग टू दैट डीप वाटर व्हिच इज डिफरेंट इन सैलिनिटी और डिफरेंट इन डेंसिटी दैट इट मेक्स इट टू मूव. मतलब अगर ये इसमें मैं कोई ऐसी चीज डाल दूं
इसमें मैं कैसी चीज डाल दूं जो इससे थोड़ी सैलिनिटी में ज्यादा हो, भारी हो, तो वो डेफिनेटली वर्टिकली सिंक करेगी। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट अभी तक? नहीं ना? ओके। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस ओशन पे कुछ तो ऐसा हुआ, समथिंग हैज अकर्ड व्हिच हैज कॉज्ड द ओशन वाटर टू सिंक, व्हिच हैज कॉज्ड द ओशन वाटर टू सिंक। व्हाई डिड दिस सिंकिंग अकर? लेट अस लुक एट दैट एंड देन वी विल कम टू द डिफरेंट वाटर मासेस अक्रॉस ऑल ओशंस। ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमने अभी देखा दैट द थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन इज कॉज बिकॉज ऑफ द बैलेंस बिटवीन हीट एंड सॉल्ट, इसका मतलब ये है दैट वी नीड टू लुक फॉर सम एक्शन, वी नीड टू लुक फॉर सम एक्शन दैट इज कॉजिंग द सरफेस वाटर टू सिंक। अब जैसे मान लो कि let's say this is the vertical profile और ये surface में जो water है ये मुझे नीचे ले आना है, I want it to sink, तो मैं क्या करूंगी इसकी sinking होने लगे, इसकी मैं density बढ़ा दूँ, इसकी density बढ़ाओ तभी तो ये sink करेगा। density बढ़ाने के क्या क्या तरीके? या तो आप उसका temperature कम कर दो या उसमें salt और add कर दो, ये तो हम lab में कर सकते हैं, बट नेचर में ओशंस में ये नेचुरली किस तरीके से बढ़ा नेचुरली, हाउ डज दिस अकर? सो लेट अस सी, द फर्स्ट थिंग इज हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मासेस आर फॉर्म, एंड फॉर डीप ओशन सर्कुलेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द डीप ओशन वाटर फॉर्म्स। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉटम वाटर और डीप बॉटम वाटर और डीप वाटर, इफ ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर वी एड सम सॉल्ट, इफ वी एड सम सॉल्ट द सैलिनिटी ऑफ दैट वाटर विल rise, causing the density to increase, and that water will start to sink vertically. Seedha niche jayega. Lekin ye salt add kaise ho? Heat. How will this salt get added? Warm. Now, ek aur cheez aapse puchta hu. If I freeze the water and I get ice crystals, what is the shape of ice crystals? आइस क्रिस्टल का शेप क्या है? हेक्सागोनल केज लाइक, यानी आइस क्रिस्टल अगर वाटर आइस बनती है तो ऐसे कुछ दिखेगी, एक पिंजरे के जैसा। आपको चिड़िया को देखा ना पिंजरे में रहते हुए, ऐसा। दिस इज हॉलो, ठीक, एंड सो दिस इज आइस, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल? क्यूबिक। आप कभी माइक्रोस्कोप में कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल को देखिए, वो आपको क्यूबिक दिखेगा। सो दीज आर टू डिफरेंट, सो दिस इज द बैकग्राउंड। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ओशन वाटर को फ्रीज कर दूं, इफ आई फ्रीज द ओशन वाटर देन द शेप ऑफ आइस विल बी दिस, शेप ऑफ सॉल्ट विल बी दिस, विल द सॉल्ट स्टे इनसाइड और नॉट? ये अंदर से तो खोखला है, which is hollow inside, cage-like, so this salt will tend to come. This salt will tend to come. Now, at polar latitudes, very high latitudes, where the temperature is sub-zero, very very low, जहाँ पर temperature बहुत कम होगा, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आप लोगों ने देखा है ना, अंटार्कटिका में आइस शीट है, आर्कटिक में ग्रीनलैंड के पास आइस शीट है ना? सो लेट अस से दिस इज आइस शीट,
आइस कैप, ये जो है दिस इज द सरफेस वाटर, ओके. दिस वाटर ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर विल टर्न टू आइस. आइस बनेगा तो आइस का क्रिस्टल कैसा होगा? हेक्सागोनल केज लाइक. उसमें जो सॉल्ट केज को मतलब समझते ना, पिंजरा, पिंजरे में अगर आप कुछ डालो तो ज्यादा ज्यादा चीजें बाहर निकल जाती है, है ना. सो व्हेन दिस वाटर टर्न्स टू आइस, आइस क्या करेगा? ये सॉल्ट को बाहर, द आइस विल रिजेक्ट सॉल्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्राइन रिजेक्शन. क्या बोलते हैं इसे? क्या हुआ? एट वेरी हाई एटीट्यूड्स व्हेन द सी वाटर चेंजेस टू आइस, ये क्या करता है? अब सी वाटर आइस बन रहा है तो उसमें का जो सॉल्ट है वो तो आइस नहीं बन रहा, इट्स वाटर विच इज फॉर्मिंग द आइस. देन दैट वाटर विच इज फॉर्मिंग द आइस हैज द कैपेसिटी टू एक्सक्लूड अराउंड 70% सॉल्ट. वार्म वाटर में मतलब जब हीट पे पाएगा तो वो भी क्रिस्टल बनेगा. आइस क्रिस्टल नहीं, मतलब सॉल्ट डिसॉल्व रहेगा. और वाटर को हीट करते रहिए, उसकी डिसोल्यूशन कैपेसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? देखिए सॉल्ट का क्रिस्टल हमेशा उसी शेप में रहेगा. चेंज क्या हो रहा है? वाटर का शेप चेंज हो रहा है. कोल्ड टेम्परेचर है तो वाटर क्या बन गया? आइस बन गया. वाटर टेम्परेचर है तो वाटर को और डिसॉल्व करेगा ना. क्लियर हुआ? यस. सो दिस फिनोमेनन इज हैपनिंग एट सब जीरो पोलर एटीट्यूड. अब क्या हुआ कि जैसे ही ये वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, ये सॉल्ट को निकाल देगा. इट विल रिजेक्ट सॉल्ट. सो अराउंड 70% सॉल्ट रिजेक्टेड. ये सॉल्ट रिजेक्ट होकर के कहां पर आया? रिमेनिंग वाटर में. इज इट क्लियर? सो जो सरफेस वाटर आइस बना, जो सरफेस वाटर आइस बना, तो आइस में जो सॉल्ट निकाला वो कहां पर आ गया? सरफेस वाटर में ही तो आया. इट केम इन द सरफेस वाटर ओनली. क्लियर है? वंस इट कम्स टू द सरफेस वाटर, तो जो इधर का वाटर है उसका सैलिनिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना. एनी डाउट्स? अगर वो इंक्रीज होगा तो उसका डेंसिटी कैसा होगा? बढ़ेगा. जब वो डेंसिटी हाई होगा तो वाटर सिंक करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है? तो 70% ऑफ सॉल्ट रिजेक्टेड. प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्राइन रिजेक्शन. इट विल कॉज द मोर सलाइन वाटर टू सिंक वर्टिकली डाउन. सो दिस इज सिंकिंग ऑफ हाई सैलिनिटी वाटर. हाई सैलिनिटी वाटर, और ये वाटर की जो हाई सैलिनिटी है वो कहां से है? वो आई ब्राइन रिजेक्शन से. और वो ब्राइन रिजेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जो सी वाटर है वो पोलर लैटिट्यूड्स में इट चेंज टू आइस. जब ये आइस बना तो वाटर का जो आइस आइस क्रिस्टल है वो हेक्सागोनल केज लाइक है. सॉल्ट क्रिस्टल क्यूबिक है विच इज स्मॉलर इन साइज. That is rejected back to the surface water. As a result, surface water becomes saline and it sinks vertically down. ये process clear हुआ? तो इसका मतलब ये है कि सभी oceans में ये चीज हो सकती है. सभी oceans में ये चीज हो सकती है. क्यों? अगर मान लीजिए North Pacific की बात करें तो वहां पर क्या brine reaction नहीं हो सकता? पैसिफिक ओशन का पोलर नहीं है. इंडियन ओशन में अंटार्कटिका के पास, अंटार्कटिका के पास हो सकता है. तो अब सवाल ये उठता है
ये प्रोसेस देखिए, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ओशंस, दिस प्रोसेस इज ड्रिवन बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। अभी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूं कि ये कहां हो रहा है, बस मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोसेस होता है, तो ये तो सभी ओशंस में हो सकता है, ये सभी ओशन में हो सकता है कि नहीं? जहां जहां पर भी पोलर एक्सटेंट से पैसिफिक ओशन में आप जाते हैं नॉर्थ पैसिफिक में, तो आर्कटिक ओशन का एक एरिया है वहां पर। अगर आप इंडियन ओशन की जैसे आप बात कर रहे हैं तो अंटार्कटिका का पोर्शन तो है ना इंडियन ओशन में, तो क्या हर जगह पर, हर जगह पर क्या ये होता है? डज दी डीप ओशन सर्कुलेशन अकर और स्टार्ट इन एवरी ओशन? नहीं, not like that, because when we are constantly saying that this process is driven by heat and salt, it means that ये वहीं पर होगा जिस ocean की salinity सबसे ज्यादा है कि नहीं? Unless and until an ocean has the highest salinity, सपोज करिए तीनों ओशन की सैलिनिटी बराबर है, ये प्रोसेस होगा ही होगा। अगर तीनों ओशन की सैलिनिटी बराबर है और हर जगह पर सिंकिंग एक जैसी हो रही है, तो वाटर की प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई, तो वर्टिकल मूवमेंट क्यों होगा? या तो फिर हर ओशन का अपना वर्टिकल मूवमेंट शुरू हो जाए। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि तीनों ओशन के जो सर्फ, जो तीनों ओशन का सैलिनिटी है वो डिफरेंट है। All the three oceans have different salinities. It means that this process will be happening in that ocean which has got the highest salinity. So which ocean has got the highest salinity? Atlantic, Pacific या Indian? किस ocean की salinity सबसे ज़्यादा है? Atlantic. कितने लोग को लगता है Pacific ocean? आपका ही? Indian ocean है? Atlantic ocean है? How many of you think it is Atlantic ocean? Atlantic Ocean being the most saline is the place where deep ocean circulation starts. बात समझ में? अब सवाल उठता है कि क्यों है Atlantic Ocean की salinity इतनी ज़्यादा? Salinity of the ocean किन-किन चीज़ों से affect हो सकती है? Enclosure. लेकिन ocean को open है, Atlantic भी ocean है, open है, Pacific भी open है, Indian Ocean भी open ocean है. तो इनक्लोज ओशन की तो बात ही नहीं होती। क्या क्या फैक्टर से ओशन की सैलिनिटी इफेक्ट होती है? सरफेस टेम्परेचर से होती है ना, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा सैलिनिटी ज्यादा होगी। तो पैसिफिक ओशन तो सबसे बड़ा है, उसमें तो सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है, तो फिर क्या रीजन है कि उसकी सैलिनिटी अटलांटिक से कम? सरफेस ज्यादा, मतलब वो क्या करे, मेजर रिवर्स करे, सैलिनिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तो इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा रहते हैं, इंडियन ओशन सैलिनिटी कम क्यों है? सरफेस रन ऑफ उससे क्या होगा? सरफेस रन ऑफ मतलब भाई रिवर जो सेडिमेंट लेकर के आ रही है, आपने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देखा है ना, उसका नाम सुना है, वहां पर कितना ज्यादा डंपिंग होता है, फिर भी क्या बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी ज्यादा है? बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी तो रेवेन्सी से भी कम है। सर जितना लाता है उतना ज्यादा वाटर, फ्रेश वाटर भी लाता है। वही तो कह रहा हूँ कि अगर फ्रेश वाटर ज्यादा है तो सरफेस सैलिनिटी कम होगी। चलिए हम लोग एक बार वर्ल्ड का मैप देखते हैं, ये डायग्राम मैं दोबारा बता दूंगा। If we see the world map, you will have to tell me a few things that you see in that, and then we will discuss a few things. Okay.
ये है अटलांटिक ओशन। इसमें कहां कहां पर सोर्सेस है सैलरी बढ़ाने के, इसके कंट्रास्ट में अगर आप पैसिफिक ओशन देखोगे, इसको इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। लेट अस लुक इफ वी हैव द वर्ल्ड मैप ऑन द अदर साइड। देखो भाई, दिस इज द अटलांटिक ओशन, दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस इज द सी सरफेस टेंपरेचर। अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, दिस इज नॉट द हाईएस्ट सरफेस एरिया, इवेपोरेशन ज्यादा होना चाहिए था, यहां पर कम होता तो इसकी सैलिनिटी बढ़नी चाहिए थी ना, इसकी सैलिनिटी कम है। सैलिनिटी बढ़ने का एक और रीजन होता है कि अगर मान लीजिए मैं कहीं से सॉल्ट वाटर और ऐड करूं, if I add this saline water to a water body, उसका सैलिनिटी बढ़ेगा नहीं कम होगा, इंक्रीज होगा ना। क्या इन दोनों ओशन में आप कोई एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है जहां पर सॉल्ट वाटर ऐड होता होगा? ये तो दोनों में ऐड होता है। देखो ये जो है आपका ये ग्रीनलैंड के आसपास में ये लैब्राडोर करंट थी, ये ग्रीनलैंड करंट थी, ये वेरी स्ट्रेट है। ओके वेरी गुड। एक चीज तो ये है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है बहुत ही नैरो है, सो द अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम आर्कटिक उसका इन्फ्लक्स पैसिफिक में कम है एज कंपेयर टू अटलांटिक। और एक बड़ी पिक्यूलर चीज जो है पैसिफिक में रिवर ट्रेड हो रहा है, नहीं आपको बता दो, लेट मी टेल यू कि अटलांटिक ओशन में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिवर ट्रेड होता है ऑब रिवर, इधर से ये यहां पे ऐसा नहीं है सिस्टम सर, बाउंड्री थोड़ा बाउंड्री नैरो है, उसी से तो सरफेस एरिया कम हो रहा है ना। तो एक चीज आप बड़ी पिक्यूलियर चीज मिस कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखो कहां है ना, ये तो दोनों जगह पर सेम हो रहा है। ये इंडियन ओशन की तो बात ही मत करो, इट इज नॉट द लोएस्ट सैलिनिटी। व्हाट अबाउट दिस, इसके कंट्रास्ट देखिए ना, कौन सा रिसोर्स है इसे कंट्रास्ट में एरिया क्या बात करो, एरिया की मैंने बता दिया कि पैसिफिक ओशन के एरिया सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है, लेकिन फिर भी इसकी सैलिनिटी कम है। क्या है ऐसा इन दोनों में सेपरेशन, इन दोनों ओशंस में? अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, आई सेड लीव अपार्ट स्पेस, एनीथिंग एल्स? कौन सा यूनिफॉर्म ओशन है? Uniform ocean so but we are talking about the water salinity, we are not talking about the ocean basin. So but there is a area of about no people in what is written out aapko to nahi samajh aa raha so main batau ye koi aur try karna chahta hai ek minute bahut clear dikh raha hai yes flux from Mediterranean is an enclosed basin, तो enclosed basin का salinity ज्यादा होगा कि open basin का? तो इतना तो हम मान सकते हैं कि Mediterranean का जो salinity is very very high and Mediterranean is connected to the Atlantic Ocean through the Strait of Gibraltar. ये जो है, this is the Strait of Gibraltar. So, अब Mediterranean में, now listen, Mediterranean में जो सरफेस, यहां पर तो कोई पोलर लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन Mediterranean में भी वाटर की सिंकिंग होती है। क्यों होती है? Because it is an enclosed basin,
high rate of evaporation will increase the surface water salinity, so that water will sink. That is called as Mediterranean intermediate water. So that intermediate water enters the Atlantic Ocean. So we have got now two sources. एक तो आर्कटिक का जो कोल्ड वाटर था उसने क्या किया, वाटर की डेंसिटी और सैलिनिटी बढ़ाई, और दूसरा मेडिटेरेनियन ने आकर के ये जो सेंट्रल अटलांटिक वाला एरिया है उसकी भी सैलिनिटी बढ़ाई, राइट? नाउ व्हेन दिस हैपेंस देन इट विल इंक्रीज द सैलिनिटी और नॉट. लेकिन अभी भी थोड़ी सी चीज मिसिंग है, अभी भी इसमें. सो वी सॉ दैट द इन्फ्लक्स फ्रॉम आर्कटिक ओशन एंड इन्फ्लक्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन इट इंक्रीजेस द सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक, बट इज इट गुड एनफ टू मेक इट्स सैलिनिटी हायर देन पैसिफिक? इफ यू रिमेंबर the currents, the ocean currents of Atlantic and Pacific, then ये कौन सी current थी? Kirushima. ये wall current थी ना? Yes sir. ये कौन सी current? जो ये देखी क्यों जा रही है? Gulf Stream. This was the Gulf Stream. यहाँ से कौन सी current आती है? Oyashio current. और ये थी zone of mixing. लेकिन Kiroshu current का extension कहाँ तक जाता था? This is North Atlantic current. Pause it for a second. यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि Kiroshu का extension केवल 40 degree north पर है, लेकिन Gulf Stream का extension जो है वो 60 degree से ऊपर ही जाता है. What does this mean? It means that Kiroshu is the wall current, agreed? But the Oyashio current it nullifies its effect beyond this. यानी यहाँ का जो sea surface temperature है वो कम है as compared to this. क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पर wall current जो है उसका extension है. So यहाँ पर sea surface temperature will be higher as compared to this. Evaporation यहाँ ज़्यादा हुआ कि यहाँ ज़्यादा हुआ? जब evaporation ज़्यादा होगा तो salinity बढ़ेगी कम होगी? This is an added thing. ये सैलिनिटी को और बढ़ाता. तो हमने क्या देखा कि इन्फ्लक्स फ्रॉम आर्कटिक ओशन कोल्ड एंड सलाइन वाटर, इन्फ्लक्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी इन द सेंट्रल अटलांटिक, एंड दिस इज मेडिटेरेनियन इंटरमीडिएट वाटर, एंड द नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम इट इंक्रीजेस द इवेपोरेशन. सो ऑल दीस थ्री एड अप टू मेक द सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक हायर. फिर इधर भी यहां पर इन दी, अब जैसे आर्कटिक रीजन में भी, सॉरी अंटार्कटिका के पास में भी डीप वाटर फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? हम लोगों ने अभी वो प्रोसेस देखा था ना, यहां पर आइस शीट है. द फॉर सो दिस डीप वाटर व्हिच फॉर्म्स ओवर हियर इज कॉल्ड एज अंटार्कटिक डीप वाटर और अंटार्कटिक वाटर. इट हैज बीन सीन दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अंटार्कटिक वाटर वाटर is very high in the Atlantic as compared to Pacific. Okay, so this is more sir, this area. So इसका मतलब ये है कि overall we can see that in northern Atlantic and in southern Atlantic the salinity factor plays a major role. That is the highest. Therefore, the thermohaline circulation starts in the Atlantic. Is it clear? Now let us see that process which I was discussing with you. So now what we are going to look at? We are going to look at formation of North Atlantic deep water. Okay? So, in the Norwegian seas, Norway के latitude के पास, in the Norwegian sea, which is also an extension of the Arctic region, the sea water converts to ice.
when this water converts to ice, it rejects salt, right? It rejects salt. Process is called as brine rejection. The remaining sea water, it becomes more saline. As a result, it starts to sink vertically. This water, it is known as North Atlantic Deep Water or NADW. North Atlantic Deep Water. NADW. When this water is sinking to the deepest part of the ocean, it's vertical sinking. Okay? Now what will happen? ये वाटर अपने साथ क्या क्या लेकर के नीचे जाएगा? हमने उस दिन बात की थी सरफेस, जब हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीजन कंटेंट की. सरफेस ओशन में देयर आर फाइटोप्लैंकटन्स, दे डू फोटोसिंथेसिस. तो सरफेस वाटर इज ऑक्सीजन, इज रिच इन ऑक्सीजन. देयरफॉर द डाइवर्सिटी एंड द पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज हायर इन द सरफेस वाटर. लेकिन डीप वाटर में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन कैसे जाती है? Deep ocean circulation. So this NADW, it carries it with oxygen, salt content, and atmospheric heat. जो भी atmospheric heat. ठीक. अब आप ये बोलोगे कि सर जब वो नीचे जाता है तो उसका salinity मतलब क्यों कम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल keeps on mixing. अब जैसे यहां से चला, so ऊपर के जो top 1 kilometer का है उसमें थोड़ा बहुत mixing होगा, और नीचे गया और थोड़ा बहुत mixing हुआ, deep एक और mixing, but this process is very very slow, and this is the beauty of this phenomenon, that mixing does happen, but the process is very slow. फिर क्या हुआ? अब ये vertical, suppose that this is the earth, this is the North Atlantic, यहां से ये sink हुआ और ocean के floor पे आ गया. Vertical. अभी इससे नीचे तो नहीं जा सकता. Then it will start moving along that meridian, और in that process, so it is crossing the equator. It is crossing the equator along that meridian. इधर से sink हुआ, it is going this way. By the time it reaches Antarctica, तब तक काफी लंबा distance travel किया, and it keeps on giving salt, heat, oxygen to the adjoining area. Salinity धीरे-धीरे कम होगी. तभी ये वाटर ऊपर आना शुरू हो गया. क्या हुआ? इस मेरिडियन पे सिंक किया और उसी मेरिडियन के अलोंग ये ऊपर आया. इसलिए कहते हैं मेरिडियनल ओवरटर्निंग. सर ये मेरिडियन में क्यों आया? और इसलिए आया कि अगर ये यहां पर सिंकिंग हुई, यहां पर ये कहां जाएगा? इधर तो कहीं जा नहीं सकता, वर्टिकली नीचे आ गया. अगर अभी मैं बनाता, सो इट कम्स ओवर हियर. यहां तक जब तक ये पहुंचा, मतलब सदर हायर लैटिट्यूड 60 डिग्री साउथ एंड ऑन, यहां तक आते हैं इसका सैलिनिटी कम हो गया. सैलिनिटी कम होगा तो डेफिनेटली सरफेस के ऊपर आएगा. जैसे ही ये सरफेस के ऊपर आना शुरू हुआ, इट कम्स क्लोजर टू अंटार्कटिका, फिर ये प्रोसेस होगा. अब कहां हो रहा है ये प्रोसेस? अब इधर हो रहा है. अब ये प्रोसेस साउथ में हो रहा है, सदर लैटिट्यूड में. So if this is the coast, if this is the Antarctica coast, water, this water has come over here and it has upwelled. The water ऊपर क्यों? इसके ऊपर आया क्योंकि इसकी salinity कम हो गई. But it is now close to the coast of Antarctica. Antarctica पर भी ice बनाएगा कि नहीं बनाएगा? फिर से brine rejection होगा और ये फिर sink करेगा. यानी now at the Antarctica coast again ice will fall, and this is the southern ocean surface. यहां पर फिर से brine rejection हुआ, and this water now which starts to sink, this is called as AABW, Antarctic bottom water और Antarctic deep water. इसको बोलते हैं AABW, AABW. दोनों हालांकि अलग हैं,
मैं आपको उसके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप ए ए डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ए ए बी डब्ल्यू लिख सकते हैं। अंटार्कटिक बॉटम वाटर, सो अंटार्कटिक बॉटम वाटर फॉर्मिडेबल। समझ में आया ना कि नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर और अंटार्कटिक डीप वाटर दोनों में क्या डिफरेंस है? What is happening in the Norwegian Sea? This is happening near the coast of Antarctica, the middle area. Okay? So what did we see? We saw that the brine projection in the North Atlantic it causes the formation of बॉटम नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। वो सिंक की अगर इस मैप को मैं यू उठा दू, आप इमेजिन करो एक डायग्राम है मेरे पास भी दिखा था। सो ये सिंकिंग इधर हुई और ये वाटर जो इधर आया ये फिर से सिंक कर गया एज ए ए डी डब्ल्यू। ठीक, अब ये वाटर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स दिस ना। So this is the movement of this water. So ये इधर से आया ऐसे, ठीक, और यहां पे N A D W बना था, ओके, ये water इधर आया and keep, so अब यहां पर क्या है थोड़ा सा ये low latitude की तरफ अब जाएगा तो एक R एक टर्म ऐसे इंडियन ओशन की तरफ आ जाती है और ये फिर आगे बढ़ता है। यहां पर अभी तक ये जो है कोल्डर था तो ये नीचे था, इट वॉज स्लाइटली डीपर एंड वन आर इट कीप्स ऑन मूविंग टुवर्ड्स पैसिफिक। इधर बाय द टाइम इट रीचेस द पैसिफिक ओशन, यदि पैसिफिक में आता है इधर, सो नाउ इट इज लूजिंग इट्स सैलिनिटी एंड इज गेनिंग हीट, तो फिर this water becomes lighter and upwells in the North Pacific and then it has now to return back इधर। हम लोगों ने कल देखा था इंडोनेशियन टू फ्लो, तो उस एरिया से फिर निकल करके इधर से ऐसे होते हुए और इन द मीन वाइल ये इंडियन ओशन का एक ब्रांच है ये इधर, सो इट जॉइंस दिस एंड देन इट कम्स बैक टू द प्रॉपर डायग्राम। बट आपको ये दो प्रोसेस समझ में आएगा, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर एंड अंटार्कटिक डीप वाटर। सो लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉपर डायग्राम। See the impact of surface field. देख रहे हैं आप? High evaporation will increase the salinity and the low latitude ice will cause brine projection. Sinking has happened in the North Atlantic. ये देखिए, ये जो ये deep चल रहा है, जो surface circulation नहीं है ये. So this is going on the deepest part, going towards Antarctica. Again यहाँ पर so we have the formation of North Atlantic deep water over here and we have the formation of Antarctic deep water over here. It starts to move here and then one town goes in the Indian Ocean, it upwells in the Northern Pacific, makes the loop, goes back. समझ में बात आ रही है? अब आप देखो, जब ये water North Atlantic deep water sink किया, ऑक्सीजन लेकर के गया, सॉल्ट लेकर के गया, जब ये पैसिफिक से वापस अब जा रहा है, ये क्या ले जा रहा है? हीट लेकर चला गया, इट्स कैरिंग हीट एंड रिमेंबर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये हीट को अपने साथ कैरी करने कहां लेके गया? सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट समझते हैं ना, इधर कुछ रखा वो इधर से इधर आ गया, इधर कुछ जा रहा है वापस। सो दिस
थर्मो तो डीप मोशन सर्कुलेशन के और भी नाम है, थर्मो हलाइन सर्कुलेशन बताया, जो हीट लेकर के उजाला होती है ये, क्योंकि ये सरफेस पे आ गया ना, ये शैलो वाटर। लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम इन अ 3D कैमरा। ये देखिए, ये मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है। सो आई विल कॉल इट डीप वाटर, ये द डीप वाटर विद ब्लू एंड वार्म वाटर विद रेड। ओके, ऑलराइट। यहां पर कहीं पर सिंकिंग हुई, जब ये सिंकिंग होगी तो ये सिंकिंग पहले वर्टिकली जाएगी नीचे, जाएगी ना, सो इट सिंक्स वर्टिकली, वर्टिकली। व्हाई इट सैंक वर्टिकली, ये कहां पर आ गई, अंटार्कटिका के कोस्ट के पास है, तो यहां पर क्या बना, NATW। जब ये it has crossed the equator, it is going at the depth, तो यहां पर ये जो depth है, यहां पर क्या हो रहा है, अभी इसकी mixing चल रही है, it is giving salt, so this water tends to become lighter, हल्का होने लगता है। जब ये हल्का होगा तो इस water की जो है वो upwelling Antarctica के coast के पास होगी कि नहीं होगी, होगी ना। जैसे ही Antarctica के coast के पास ये water आया, यहां पर फिर से इसकी सिंकिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर AADW बन जाएगा, सिंक करेगा, फिर से नीचे चला जाएगा। अब दो चीजें, एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए इफ दिस इज द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका एंड दिस इज 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, सम वाटर विल अपवेल ओवर हियर एंड सम वाटर विल अपवेल ओवर हियर। द वाटर विच अपवेल्स नियर द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका, इट विल अगेन डू द ग्रेविटेशन एंड इट विल सिंक फॉर्मिंग AADW। लेकिन इस कोस्ट से थोड़ा सा पहले, slightly away from the coast of Antarctica, the water has now become cold, but not as cold as this. So it will also sink, but not to the depth like AADW. Antarctica के coast के थोड़ा सा पहले water का sinking होगा, क्योंकि water का temperature कम हो गया, लेकिन उसकी sinking AADW जितनी नहीं होगी। So this is called as Antarctic intermediate. So we have two water masses, AADW. अगर ये AADW है, if this is AADW, तो जो Antarctic intermediate water होगा, वो से थोड़ा ऊपर होगा। This is AAIW. ठीक? और tropical altitude जो warm water आ रहा है, that will be the lightest water, सबसे हल्का होगा। So we have three layers of water going: Antarctic deep water, Antarctic intermediate water, and surface water. अब ये जो sinking हुई, now this sinking will happen over here, and then it will start moving this way. अब ये सब depth पे चल रहा है, and this intermediate water का जो है loop, वो Indian Ocean का है। यहां पर आकर के it is started to upwell, and it is अब upwell हो गया, यानी surface से अब heat ले लेगा। ये जो वाटर है अभी भी ये चल रहा है, दिस इज AADW इज गोइंग ऑन। ये वाटर आकर के अपवेल किया, क्यों, क्योंकि अब यहां पे खत्म हो गई ना जगह, इसको स्पेश ये आगे ही बढ़ेगा। एज इट कम्स टू द नॉर्थ पैसिफिक, इट स्टार्ट्स टू अपवेल एंड स्टार्ट्स गेनिंग हीट, स्टार्ट्स गेनिंग हीट। सो दिस ब्लू वन, the deep water, it is called as the sinking arm. Sinking arm जो कि नीचे की तरफ चलती है, deep arm, ठीक है? Now, when the upwelling has happened in the Pacific Ocean, this water will become warm, पानी गर्म होगा तो हल्का होगा कि भारी होगा, हल्का होगा, so now it will go back, but ध्यान रखना, अब सिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि वाटर का ब्रायन रिलेशन का प्रॉपर्टी खत्म हो गया, तो इट विल गो बैक, ऐसे जाएगा,
जैसे ही यहां आया इंडोनेशियन आइलैंड्स के पास आया, सो दिस इज कॉल्ड एज रिटर्निंग आर्म, रिटर्निंग आर्म। तो रिटर्निंग आर्म के लिए वापस आ रहा है ये इंडोनेशियन आइलैंड से होते हुए दिस वाटर गेट्स एडेड टू दिस रिटर्निंग आर्म ऑफ इंडियन ओशन। इनके टॉन्ग यहां है, इट फ्लोज बैक एंड गोज एंड मिक्सेस विद द नॉर्थ अटलांटिक। तो ये कन्वेयर बेल्ट बन गया। कैसे? ये यहां से ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक हीट और सॉल्ट कंटेंट लेकर के नीचे आया, सभी ओशन को डिस्ट्रीब्यूट करता चला गया और पैसिफिक ओशन से हीट लेकर के ये वापस चला गया। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट। ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट, GOCB, GOCB, ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट। तो इफ आई हैव टू डिस्क्राइब द ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट, तो अब इसके बारे में कैसे डिस्क्रिप्शन देंगे? अच्छा एक चीज और बताइए, कितना टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में? हाउ मच टाइम कैन इट टेक? भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर आज यहां पर सिंकिंग हुई तो ये कल वापस चला जाएगा। Let us say, I drop a ball over here. एक बार ये ball डाल दी, ये ball को conveyor belt में वापस ले जाएगा। Imagine it, if this is a conveyor belt, it will carry that ball back to the Atlantic Ocean. How much time will it take? 6 months. Any rough guesses? 6 months. Six? Month. 6 months. Any more guesses? 1 year. Ten years. And last guess. It takes roughly 1,000 to 1,500 years. अगर आज आपने यहाँ पर एक बॉल डाल दी, तो ये वापस वहां पहुंचेंगे लगभग 1,000 years. Can you understand? और ऐसा क्यों होता है? Because of the mightiness of the ocean and the sluggishness. Oceans are very very sluggish. आराम से धीरे-धीरे चलते हैं deep oceans. क्योंकि wind का impact नहीं है. So they have their own pace. तो अगर one water molecule sinks in the North Atlantic Ocean, it will come back as warm water over here after 1,000 years. सरफेस वाटर इज क्विक, विंड से होती है, बट ये तो डीप वाटर है। क्लियर हुआ? सो हाउ डू आई डिस्क्राइब द ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट? ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट इज द डीप ओशन सर्कुलेशन। इट स्टार्ट्स इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। तो पहला प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। वो नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर इट सिंक्स टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन एंड इट कैरीज ऑन इट्स जर्नी अलोंग द मेरिडियन एंड गोस टुवर्ड्स द अंटार्कटिक। रास्ते में इट कीप्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स सॉल्ट कंटेंट, बिकम्स प्रोग्रेसिवली लेसर सलाइन, धीरे धीरे सैलिनिटी कम होने लगती है। जैसे जैसे इसकी सैलिनिटी कम होती है, इट गोज एंड अपवेल्स नियर द अंटार्कटिका कोस्ट। सिंस अंटार्कटिका इज ऑल्सो अ पोल एंड इट हैज गॉट आइस कैप, द अपवेल्ड वाटर, जो वाटर ऊपर आया वो फिर से आइस में बदल जाता है। जब वो दोबारा आइस में बदला तो क्या बना? अंटार्कटिक डीप वाटर, AADW, वो फिर से सिंक किया एंड इट गोज टुवर्ड्स द अदर ओशंस। इंडियन ओशन के पास इसका एक टोंग है जो कि निकल के आता है एंड इट गोज एंड अपवेल्स इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में जब इसकी अपवेलिंग हुई, देन इट गेन्स हीट एंड द रिटर्निंग आर्म ऑफ कन्वेयर बेल्ट इट फ्लोस थ्रू द इंडोनेशियन आर्किपेलागो वाया द इंडियन ओशन एंड गोज बैक टू अटलांटिक। दिस कंप्लीट्स द ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट। तो
ये डायग्राम आप लोग को याद रहेगा। उसी कहां पे सिंकिंग शुरू हुई? नॉर्थ अटलांटिक पे। क्यों सिंकिंग शुरू हुई? आपको कैसे पता लगे? ग्लोबल ओशन थर्मोलाइन सर्कुलेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट में साफ कर देता हूं। एट मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर आइटम which can be used to trace the entire path and the time. Okay, we'll discuss about the deep ocean tracers later. But yes, there are ways and methods of studying the path of the deep ocean. Very good question. Now, here sinking has happened. It goes vertically down, or फिर ये धीरे-धीरे अंटार्कटिका के कोस्ट के पास आया। फिर से ए ए बी डब्ल्यू बना, एक आर्क इधर चला गया, एक आर्क कंटिन्यू किया पैसिफिक में अपवेल किया, फिर जो रिटर्निंग आर्म है ये सरफेस पे अब जा रहा है। तो ये इंडोनेशियन आइलैंड्स से होते हुए इंडियन ओशन एंड इट गोज बैक टू अटलांटिक ओशन। दिस इज द ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए ग्लोबल क्लाइमेट। यहां पर ये ऑक्सीजन लेकर के नीचे गया, सॉल्ट लेकर के नीचे गया। सो the sinking of the deep water is important to give the salt budget to different oceans and oxygen content, while the returning arm, if this returning arm was not there, agar ye nahi hota to kya in latitudes pe heat hogi? North Atlantic Ocean mein ya iske aas paas ki jo countries hain kya wahan par rehne layak climate? So apart from, why is this heat so important? Because water has got highest specific heat capacity. जब ये heat लेकर के वहाँ पर जाएगा और distribute करेगा, तो उनके climate को ये moderate करता है। Imagine करिए, अगर ये conveyor belt बंद हो गया, if the conveyor belt shuts down, then what will happen? सर जितना भी फाइटोप्लांक्टन है ये सारे एरियाज दे विल गो अंडर आइस एज। क्या ऐसा पहले हुआ है? बिल्कुल, इट हैज हैपेंड। नाउ कैन यू टेल मी द प्रोसेस व्हिच मे लीड टू शट डाउन ऑफ कन्वेयर बेल्ट? सर व्हाट इज नाउ ओ ग्लासेस क्रॉसिंग समथिंग और यू आर टेलिंग समथिंग नहीं ग्लासिएशन मतलब जो ग्लेशिएशन का क्या मेल्टिंग ऑफ आइस। वेरी गुड बट ग्लेशिएशन से मेल्टिंग ऑफ आइस शीट नहीं है ना, तो वार्मिंग से होगी और बर्न हो जाएगा। नाउ सी व्हाट वाज द प्रोसेस दैट स्टार्टेड कन्वेयर बेल्ट? आइस फॉर्मेशन, ब्राइन रिजेक्शन। व्हाई डिड द आइस फॉर्म? कोल्ड Due to very very low temperature at polar latitude, poles में बहुत कम temperature है। अगर वहाँ का temperature बढ़ा दिया है, जो आप लोग global warming सकते हैं, ये क्यों ये countries इतना ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि उनका जो climate है, it is very very subtle. It is dependent on this circulation. अगर उधर temperature बढ़ गया और ग्रीनलैंड आइस कैप या अंटार्कटिक आइस कैप मेल्ट होने लगा या ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे, तो उनका वाटर कहां जाएगा? अटलांटिक ओशन में जाएगा। उसकी सैलिनिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। सैलिनिटी कम होगी तो क्या NADW बनेगा? NADW नहीं बनेगा तो क्या कन्वेयर बेल्ट चलेगा? सो इन द पास्ट वी हैव सम इवेंट्स like Northern Hemisphere glaciation,
ये ग्लेशियर ग्लेशिएशन जो हुआ यानी जो ग्लेशियर क्लाइमेट आया उसमें इस कन्वेयर बेल्ट के बंद होने का बहुत बड़ा रोल। और ये बंद क्यों हुआ? क्योंकि कई बार ड्यू टू एक्सेसिव हीट द आइस कैप्स हैड मेल्टेड। और जो अटलांटिक ओशन था अटलांटिक ओशन का सैलिनिटी कम हो गया क्योंकि टेम्परेचर्स हैड राइज़न। तो ब्राइन रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि आइस वाज नॉट फॉर्मिंग और अगर बन भी रही थी तो सैलिनिटी बहुत कम थी। तो कन्वेयर बेल्ट जो डीप ओशन सिंकिंग जो डीप वाटर सिंकिंग थी वो नहीं हुई। नहीं होगी तो कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाएगी। कन्वेयर बेल्ट बंद हुई तो ये हीट यहां पर नहीं जाएगी तो ये फिर से होल्ड में आ जाएगी। अगर एक बार ये बंद हो गई तो रीस्टार्ट कैसे होगा? आप ये सोचिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फीडबैक इफेक्ट। क्या व्हेन दिस कन्वेयर बेल्ट इज रनिंग ये हीट लेकर के जाएगा। अगर ये हीट बढ़ गया तो आइस कैप्स मेल्ट हो गए। मेल्ट हुए तो क्या हुआ? फिर से ग्लेशियर क्लाइमेट आ गया। जब ग्लेशियर क्लाइमेट आया और कन्वेयर बेल्ट बंद था इट वाज क्लोज्ड हाउ डिड इट रीस्टार्ट? कैसे बने आइस? अभी तो आइस कैप बन गया ना लेकिन ग्लेशिएशन चल रहा है ग्लेशियर क्लाइमेट है लेकिन फिर ये क्यों नहीं मतलब ये शुरू कैसे हुआ? क्योंकि ग्लेशियर क्लाइमेट वॉज अ रिजल्ट ऑफ क्लोजर ऑफ कन्वेयर बेल्ट। स्टार्ट कैसे हुआ? फिर से सोचिए कन्वेयर बेल्ट के शुरू होने के सबसे पहली चीज क्या थी? सैलिनिटी। अगर ओशन की सैलिनिटी कम हो गई इफ द सैलिनिटी ऑफ ओशन हैज रिड्यूस्ड तो सैलिनिटी बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं? हीट तो नहीं है लेकिन इवेपोरेशन तो हो रहा है। What is the difference between boiling and evaporation? Evaporation can occur at any temperature, right? Of course, it will take some time, but evaporation चल रहा है, धीरे 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 धीरे, ice बना है, वो brine reaction जो होना है वो हुआ है, लेकिन when the ultimate overall salinity of Atlantic has reduced, तो ये NADW formation नहीं होगा। As a result, अभी evaporation हो रहा है, तो धीरे धीरे salinity increase होगा, some time will come. When the salinity of the Atlantic will become optimum, again sinking. एक बार sinking शुरू हो गया, फिर से कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो गया, कन्वेयर बेल्ट फिर से स्टार्ट हुआ, हीट वहां पर गया, तो ये धीरे धीरे उस ग्लेशियर क्लाइमेट को कम करता गया। सर सभी टाइम तो मतलब आइस फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब आइस पर जितना भी है तो उसमें हो गया लेकिन उस... अब जैसे मुझे एक बात बताइए अभी तक आइस यहां पर है यहां पर